कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, आज संपूर्ण कलिसिया संत साइमन स्टिलाइट का पर्व मनाती है। उनके माता पिता बहुत अधिक प्रभु भक्त थे और अपना जीवन ईश्वर के कार्यों को करते हुए बिताते थे। कहा जाता है कि संत साइमन का जन्म सीरिया में 388 में हुआ था। 15 वर्ष की उम्र में उन्होंने मठ में प्रवेश किया और अपना जीवन कठिन नियमों से जीते हुए बिताने लगे, जिसके कारण उनके संस्था के लोगों ने उनका विरोध किया और उन्हें वहां से बाहर कर दिया और वे एक मठवासी के रूप में अपना जीवन बिताने लगे। उन्हें विशेष रूप से पिल्लार हर्मिट कहा जाता है। दुख भोग के दिनों में वे विशेष रूप से 40 दिनों तक भूखे प्यासे रहते थे। वे न तो भोजन करते और न जल ग्रहण करते थे और वे एक स्थान पर खड़े रहते थे। उनसे मिलने के लिए लोग दूर दराज से आया करते थे। लाखों की तादाद में लोग उनसे आध्यात्मिक एवं पारिवारिक एवं कई समस्याओं का हल उनमें ढूंढते थे और संत साइमन उनकी मदद किया करते थे कि किस प्रकार से उन्हें अपना जीवन जीना है, किस प्रकार से इस संसार की मोह माया से उन्हें बाहर आना है। इन सभी बातों का उत्तर उनके पास होता था। राजा थियोडोसियस और राजा इंडोसिया भी उनसे आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया करते थे और वे जब उनके पास आते थे तो उन्हें बहुत अधिक शांति का अनुभव होता था। संत साइमन अपना जीवन प्रार्थना में एकांत स्थान पर बिताना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक ऊंचे स्थान पर एक कुटिया बनाई और वहां पर वे 36 वर्षों तक रहे। वह कुटिया 60 फीट ऊंचे स्थान पर बनी हुई थी और वहां पर या तो वे खड़े हो सकते थे या बैठ सकते थे या घुटने टेक सकते थे। बस इतना ही स्थान उस कुटिया में था। अगर किसी को उनसे मिलना होता था तो उन्हें रस्सी से ऊपर जाना पड़ता था और वे लोगों की समस्याओं को सुलझाते थे। वे कई त्योहारों पर अपने वचनों को लोगों को बांटते थे और प्रभु के वचनों को उन्होंने लोगों तक पहुंचाया और लोगों ने कई चमत्कार अपने जीवन में होते हुए देखा, कई बीमारियों को ठीक होते हुए देखा और कई बीमार लोग उनके पास से विशेष आशीष और कृपा लेकर जाया करते थे। उनकी मृत्यु 459 में हुई थी। आइए कृष्ण में प्रिय भाइयों बहनों, संत साइमन के माध्यम से प्रार्थना करें कि हम भी हमारा जीवन एकांत में बिताएं, हमारे जीवन में हम प्रभु की आशीष लेकर आएं, प्रभु की कृपा लेकर आएं। प्रभु का चमत्कार तभी हमारे जीवन में होगा जब हम प्रभु पर विश्वास रखेंगे।